नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज, आजाद भारत की आवाज। मैं हूं अरिशा सिद्दीकी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। खबर डोंगरगांव से है, जहां जनपद पंचायत डोंगरगांव के सहायक विकास विस्तार अधिकारी होरीलाल साहू बने अति मुख्य कार्यपालन अधिकारी। अति मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर पदोन्नत हुए हैं। नवीन पद स्थापना में डोंगरगांव में होरीलाल साहू ही रहेंगे। लंबे समय से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कोई पदोन्नति नहीं हुई थी। ऐसे में लंबे समय से अधिकारियों को प्रमोशन लिस्ट का इंतजार था। कल शाम को 115 अधिकारियों की प्रमोशन लिस्ट आने के बाद सभी के चेहरे पर खुशी की लहर है। कल शाम से ही होरीलाल साहू को बधाई देने जनपद पंचायत के अधिकारी कर्मचारी और मित्रों का तांता लगा हुआ है। डोंगरगांव से टुमन साहू की रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया न्यूज। खबर डोंगरगांव से है, जहां सरकारी जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ है। थाना पहुंचे सरपंच एवं ग्रामीण मामला ग्राम पंचायत आसरा का है, जहां ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय सरस्वती शिशु मंदिर के लिए दान में दिए जमीन पर गांव के ही एक रशु खदार ने कब्जा जमा लिया है। सरपंच ने बताया है कि जमीन में स्कूल भवन का निर्माण होना है, लेकिन गाँव के ही कृष्णा साहू एवं किसी अग्रवाल द्वारा अपने धौस दिखाकर उसी जमीन को कब्जे में ले लिया है। सरपंच, ग्रामवासी एवं शाला विकास समिति के काफी समझाने के बाद भी कृष्ण साहू ने नहीं माने एवं अपनी लड़की एवं अपनी लकड़ी उक्त जमीन डाल दी है। पीड़ित पक्ष न्याय की गुहार लगाने एसडीएम, तहसीलदार एवं थाना प्रभारी को आवेदन सौंपा है। सर, क्या मामला था, किस मामले को लेकर आप थाने आए हैं? ये सरस्वती शिशु मंदिर बनना है, सांसद के द्वारा रकम दी गई है 3 लाख रुपया, और इसमें नरेश अग्रवाल जिसकी भूमि लगी हुई है वो और कृष्णा उसने आकर के वो लकड़ी पटक दिया है, और हमारे जो काम चल रहा था उसमें वो व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। बस इसी की शिकायत करने आए हैं थाना में। तो क्या आश्वासन मिला थाना से? थाना वालों ने बताया कि भाई चूंकि सरकारी है जमीन, इसलिए उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, और फिर आ करके स्थल देख करके और फिर कार्यवाही की जाएगी। कौन से गांव का मामला है? आसरा का है। डोंगरगांव से टुमन साहू की रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया न्यूज। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आगे हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।